हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना वाजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अपने चैनल में देखने वाले हैं लादी पाव की रेसिपी, जिसमें ब्रेड इम्प्रूवर नहीं होगा, ना ही इसमें कोई भी मतलब स्टेबलाइजर का हम यूज़ करेंगे, बट सॉफ्ट और एकदम टेस्टी ऐसे पाव घर पे हम बनाएंगे। इसके लिए आपको लूक वॉर्म मिल्क लेना है, ध्यान रखिएगा लूक वॉर्म मिल्क लेना है 3/4 कप, मतलब आधा कप और 1/4 कप। उसमें आपको 2 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट, मतलब इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट आता है वो लेना है, फ्रेश होना चाहिए, एक्सपायरी चेक करके आप यूज़ कीजिएगा, वरना जो रिजल्ट है एंड रिजल्ट वो अच्छा नहीं आएगा। 2 टीस्पून शुगर ऐड करनी है, नॉर्मल शुगर, और इसे आपको मिक्स करके इसे ढक के 10 मिनट के लिए, मतलब एक्टिव होने के लिए ईस्ट को रखना है। ईस्ट इस तरीके से मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, फूलेगा तो ही परफेक्ट आपको समझना है कि ईस्ट जो हमने यूज़ किया है वो प्रॉपर है। अगर नहीं फूलता है इस तरीके से तो आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं इसे मैदे से ही बना रही हूँ, तो आपको यहाँ पे 2.5 कप मैदा ले लेना है, उसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है। यहाँ पे आप चाहे ना तो मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हो 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, मैंने नहीं किया है। मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये एक ऑप्शन मैं दे रही हूँ। अब जो हमने इस दूध में एक्टिव करके रखा था वो मिक्सर को इसमें ऐड कर देंगे। पहले इस मिक्सर से ही हमें आटा गूंद लेना है और ये चिपचिपा सा आटा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है, 1/4 कप से लेके आधा कप के करीब पानी का ज़रूरत पड़ेगा। एकदम सॉफ्ट और स्टिकी सा डो होगा ये। आपको क्या करना है, अभी इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही गूंथते रहना है। थोड़ा सा पानी का हाथ ले लीजिएगा, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इस तरीके से आपको इस आटे को मसलना है, मसलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना है हमें यहाँ पे प्रॉपरली। इससे क्या होगा, ग्लूटेन एकदम से फॉर्म हो जाएगा और बहुत ही परफेक्ट सा टेक्सचर आएगा जब हम लादी पाव बेक करेंगे तभी। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस स्टेप को एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है आपको। आप एक फ्लैट सरफेस पे ले लीजिएगा, बड़ा सा आपके पास मतलब थाली होता है वो है तो उसमें भी आप कर सकते हो। 10 मिनट आपको इसे नेड करना है, जिस तरीके से एक हाथ से मैं पकड़ रही हूँ और दूसरे हाथ से इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, ये करते रहना है 10 मिनट एटलीस्ट आपको। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एकदम से सॉफ्ट सा डो ये बन देगा बाद में, लास्ट में यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो ये मतलब डो फॉर्म हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे गोला सा बना लेना है आटे का, और एक जो हमने बर्तन लिया था उसे ही मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ऑयल से ग्रीस करना है। और फिर ये जो आटा अभी हमने स्ट्रेच करके रखा था उसे प्रॉपरली गोल करके इसके अंदर रख दीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा और आपको मतलब किचन कैबिनेट के नीचे आप रख सकते हो, गर्म जगह पे रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि ओटीजी में, गर्म गर्म ओटीजी में नहीं रखना है, किचन कैबिनेट के नीचे रख दीजिएगा। वो भी टेम्परेचर कैसे है आपके एरिया में उस पर डिपेंड करता है। गर्मी में ये जल्दी हो जाता है 1 घंटे में, ठंडी होगा तो 1.5 घंटा लगेगा। इसका वॉल्यूम जो है ना, आफ्टर 1.5 आवर्स, 1 घंटा लगा था मुझे, 1 घंटे के बाद वॉल्यूम डबल हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा आटा। फिर क्या करना है, स्लाइटली एकदम हल्के हाथों से पंच करना है, एकदम हल्के हाथों से इसका रोल बना लीजिएगा, या फिर ऐसे डो टाइप फिर से बना लीजिएगा, हाथ एकदम हल्का रखना है। अब जैसे ही भी आपको छोटे छोटे गोले बना लीजिएगा, इनफैक्ट 9 गोले बनाने चाहिए, मेरे थोड़े से 8 बन गए थे, तो छोटे छोटे गोले बनाना। और आपको जिस टिन में इसे बेक करना है उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरीके से हल्के हाथ से आपको टक कर लेना है नीचे की ओर सभी आटे को, कहीं भी क्रैक ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से टक कर लीजिएगा, ऊपर से सॉफ्ट कर मतलब एकदम स्मूथ कर लीजिएगा। इस तरीके से सभी गोलों को मतलब सभी बॉल्स को आपको बना लेने हैं, टक करना है नीचे की ओर और इसे टिन में रख देना है। टिन को ऑयल से आपको ग्रीस करना ज़रूरी है। अब इसे आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, सेकेंड प्रूविंग कर रहे हैं हम। सेकेंड प्रूविंग के बाद आपको इसके ऊपर मिल्क वॉश करना होगा। एग अगर आप खाते हो तो वाइट एग जो होता है उससे वॉश कर लीजिएगा, या फिर हनी से भी आप ऐसे मतलब हनी अप्लाई कर सकते हो। तो इसे मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लिया था ओटीजी, और फिर आपको 25 टू 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। और बेक करने के बाद मतलब 25 मिनट जब हो गए थे तभी मैंने इसे बाहर ले लिया था, बटर अप्लाई कर लिया था, और फिर से 5 मिनट के लिए अच्छे से कलर आना चाहिए ऊपर से, इसके लिए फिर से 5 मिनट बेक कर लिया था।
आफ्टर 30 मिनट्स इन टोटल, मतलब बटर अप्लाई करने के बाद इन टोटल 30 मिनट्स के बाद इसे मैंने ढक के रख दिया था बाहर निकाल के कपड़े से। और फिर 10 मिनट, मतलब 5 से 10 मिनट के बाद आपको नाइफ से इस तरीके से स्क्रैप करना होगा साइड से, और इससे आपको डीमोल्ड करना है। ज़्यादा देर तक टिन में नहीं रखना है वरना पूरा नीचे से ये गिल्ले हो जाएंगे। इसलिए अब इसे मैंने निकाल लिया है 10 से 15 मिनट के बाद। एकदम सॉफ्ट, आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर टेक्सचर है, घर पे बनाए हुए हैं अच्छे, मतलब हम लोगों ने हाइजीन का यूज़ किया है इसमें। तो इस तरीके से कभी पाव भाजी बनानी है, चाय के साथ बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और ये लादी पाव की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पहले ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू।